हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, इसके एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। बच्चों, इस टॉपिक का नाम है चोक कुंडली, यानी कि चोक कुंडली क्या होता है, इसका कार्य सिद्धांत क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है और इसके चित्र को हम कैसे बनाएं, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और अगर आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं चोक कुंडली की। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, इसके सिद्धांत को समझेंगे, इसके चित्र को समझेंगे, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आता है इसका डेफिनेशन। तो देखिए, चोक कुंडली होता क्या है, ये प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में है। तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वैद्युत ऊर्जा का ह्रास हुए बिना, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का जब ये है तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में इसका यूज किया जाता है। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वैद्युत ऊर्जा का ह्रास किए बिना हुए बिना धारा को कम करने का एक साधन उपलब्ध है जिसे हम चोक कुंडली कहते हैं। यानी कि बच्चों, चोक कुंडली एक ऐसा साधन है जिसको अगर प्रत्यावर्ती परिपथ में लगा दिया जाए तो बिना ऊर्जा के ह्रास के जो है धारा को ये कम कर सकता है, ठीक है। ये धारा को कम करने वाला एक यंत्र है, ठीक है, बिना ऊर्जा के ह्रास के, बिना ऊर्जा के जो है, बिना ऊर्जा की कमी के, बिना ऊर्जा कम किए ये जो है धारा को आसानी से कम कर सकता है। तो ये स्टूडेंट, ये एक ऐसा साधन है, ठीक है। इसका डेफिनेशन समझ में आया कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वैद्युत ऊर्जा का ह्रास हुए बिना धारा को कम करने का एक साधन है, ठीक है, जिसे हम चोक कुंडली कहते हैं। बच्चों, आगे बढ़ते हैं, इसके चित्र और इसके सिद्धांत को हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको और समझना होगा। यह एक ऊँचे प्रेरकत्व की कुंडली होती है, यानी कि इसका जो प्रेरकत्व होता है वो उच्च होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, जो एक पृथककृत तांबे के मोटे तार को बहुत से फेरों से में लोहे की पटलित क्रोड पर लपेटकर बनाई जाती है। अब ये तो था स्टूडेंट इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं इसके चित्र को, समझते हैं कि कैसे इसका चित्र हम बनाएंगे, ठीक है, चोक कुंडली का। तो देखिए, चित्र कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा। अब इसमें क्या, यानी कि कौन सा टॉपिक क्या है, अभी मैं आपको लिख कर बताऊँगा। तो स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। तो ये सबसे पहले आप समझिए कि एक पृथककृत तांबे के मोटे तार को बहुत से फेरों में लोहे की पटलित क्रोड पर लपेटकर बनाई जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं बच्चों, ये एक चोक कुंडली का दृश्य है, ठीक है। अब जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है, ठीक है, इसको हम नाम अब लिख देते हैं। ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है बच्चों, ये है लोहे की क्रोड। तो हम सभी का यहाँ पर नामकरण कर देते हैं चित्र में, ठीक है, कि कौन क्या है। तो लोहे की क्रोड है ये। अब आगे देखिए बच्चों, ये तो पूरा चोक कुंडली का यंत्र है, तो आप लोग यहाँ पर चोक कुंडली लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए हम क्या देखेंगे। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं, जैसे देखिए यहाँ पर एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ है, तो हम इसका भी नाम लिख देते हैं बल्ब, ठीक है। अब आगे देखिए बच्चों, तांबे के तार की कुंडली। अब ये क्या है, तांबे के तार की कुंडली। अब तांबे के तार की कुंडली क्या है इसमें, तो देखिए सिंपल है, ये जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है ये कोई भी आप देख सकते हैं, ये सभी जो है बच्चों तांबे के तार की कुंडलियां हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ से जो है प्रत्यावर्ती धारा यहाँ से निकल रही है। देखिए यहाँ पर जो आपका ये फाइन दिख रहा है, चिन्ह दिख रहा है, ये प्रत्यावर्ती धारा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इतना सिंपल सा है बच्चों कि जो चोक कुंडली होता है ये एक ऊंचे प्रेरकत्व की कुंडली होती है, जो एक पृथककृत तांबे के मोटे तार, देखिए तांबे का एक मोटा तार है जिसको मैंने ब्लैक कलर से लिखा है, ठीक है, बनाया है। इसके तार को बहुत से फेरों में लोहे की पतलित क्रोड, ये देखिए लोहे की क्रोड इसके अंदर डाली गई है, ठीक है, कि पतलित क्रोड पर लपेट कर बनाई जाती है, यानी कि लोहे की जो पतलित क्रोड है बच्चों, इस पर इस तांबे के तार को बहुत ही कठोरता से लपेटा जाता है, ठीक है, तब हमारे चोक कुंडली का निर्माण होता है। यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ था होता है और यहाँ से प्रत्यावर्ती धारा जो है बहती है। तो इतना सिंपल सा टॉपिक है, प्रत्यावर्ती धारा में चोक कुंडली क्या होता है। तो सिंपल आप समझिए कि चोक कुंडली जो होता है ये प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, देखिए एक परिपथ है तो इसमें प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बिना ऊर्जा के ह्रास के ये धारा को कम कर सकता है, ठीक है, धारा को कम करने के लिए ऊर्जा लगती है, तो ये बिना ऊर्जा के ह्रास के भी ये कम कर सकता है, ये एक ऐसी कुंडली है। तो सबसे पहले आपको इसका डेफिनेशन याद करना होगा। अब बच्चों नीचे हम कुछ इसके बारे में टॉपिक देख लेते हैं। जो जो कुंडली की प्रतिबाधा होती है, ठीक है, प्रतिबाधा आपने प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में पढ़ा होगा, तो इसकी प्रतिबाधा जिसको हम डिनोट करते हैं बच्चों जड़ से, तो इसकी जो जड़ होती है उसका फार्मूला होता है बच्चों अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा
एल का होल स्क्वायर, ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है, जहां आर है बच्चों प्रतिरोध, ओमेगा है कोणीय वेग, एल है बच्चों प्रेरकत्व, ठीक है। तो प्रतिबाधा जो होती है चोक कुंडली जेड का, वो होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ब्रेकेट में ओमेगा एल का होल स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आया इतना? आप लोग थोड़ा सा इससे टॉपिक लिख दीजिएगा, ऐसे जब आपके बोर्ड एग्जाम में चोक कुंडली पूछा जाए, कार्य सिद्धांत भी पूछा जाए, तब आप ऐसे लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, पी यानी कि प्रतिरोध, इसका आर जो है वो नगण्य है, इसमें ऊर्जा के रूप में क्षय बहुत कम होता है, इसलिए जो पी है बच्चों, पी क्या है, पी आपका यहाँ पर है स्टूडेंट औसत शक्ति, ठीक है, जो इसकी पावर है उसको हम लोग कैसे, इसका फार्मूला क्या होता है, पी बार यानी कि औसत शक्ति इसकी जो होती है उसका फार्मूला होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस, ठीक है, और फाई कॉस फाई, तो ये इसका बच्चों होता है फार्मूला। तो समझ में आया? अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे वी आर एम एस है क्या, वी आर एम एस है बच्चों विभव का शिखर मान, आई आर एम एस है बच्चों, आई आर एम एस है आपका धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है, और वी आर एम एस है आपका विभव का वर्ग माध्य मूल मान, और इंटू कॉस फाई आपका है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बच्चों जो कुंडली को आसानी से समझ सकते हैं, इससे कुछ टॉपिक है प्रतिबाधा जेड इक्वल टू आपका ये फार्मूला होगा, पी बार यानी कि औसत शक्ति जो क्षय हुई है वो आपका फार्मूला ये होगा, और चोक कुंडली का दृश्य कुछ इस प्रकार से इसका चित्र बनेगा, ठीक है। इसमें बल्ब लगे होंगे, तांबे के तार की कुंडली लगी होगी, चोक कुंडली लगी होगी, पतली क्रोड लगा होगा, लोहे की क्रोड लगी होगी, ठीक है, और इसका डेफिनेशन सिंपल है जो यहाँ पर लिखा है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपको इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड और भी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।